आई एम मोहम्मद अजहरुद्दीन शेख फ्रॉम मैजिस्टिक कंप्यूटर एजुकेशन। इससे पहले हमने जो पियाजेट की थेरीज देखी थी माहिर नफ्सियात की, अब हम माहिर नफ्सियात कोहलबर्ग की थेरीज देखेंगे फिलोसोफर की, और इनके क्या नज़रियात और पर्सपेक्टिव्स रहे मॉरल डेवलपमेंट में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं, बाजू से जो वीडियोस की सीरीज है बाजू अजहरुद्दीन शेख पहले यूट्यूब पर लिखना है, बाद में प्लेलिस्ट आएंगी, प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पर से चाइल्ड डेवलपमेंट का सेक्शन है, स्पेशली जितने भी अब तक बने हैं वो सारे वहाँ आपको मिल जाएंगे। लैंग्वेजेस पर भी रहेंगी तो आप प्लेलिस्ट के एतबार से आपकी जो वीडियोस है कैटेगरीज उस एतबार से वहाँ से देख सकते हैं, और आप दूसरों को भी शेयर करते रहिए ताकि वो लोगों को भी नॉलेज आम हो। आगे हम इंशाल्लाह एनसीईआरटी को भी फोकस करके कोशिश करेंगे कि उसके भी हम पूरे बुक्स पढ़कर सूरत में आ जाए सामने, तो इंशाल्लाह उसको बहुत ज़्यादा टाइम है अभी। तो हम चालू करते हैं कोहलबर्ग की पर्सपेक्टिव ऑफ मॉरल डेवलपमेंट पर। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ये एक मेनली इंटरेस्टेड था कि वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड था कि हाउ चिल्ड्रेन डेवलप देयर एबिलिटी टू मेक मॉरल डिसीजंस, के बच्चे कैसे डेवलप कर लेते हैं उनकी एबिलिटी मॉरल डिसीजंस मेकिंग में। ही बेसिकली थियोराइज्ड सिक्स स्टेजेस व्हेन पीपल प्रोग्रेस थ्रू थ्री लेवल्स कंप्राइजिंग ऑफ सिक्स स्टेजेस व्हेन दे डेवलप देयर मॉरल रीजनिंग। तो यहाँ पर जो पियाजेट की थ्योरीज थी वो उसके हिसाब से उन्होंने चार स्टेजेस बताए थे, इन्होंने जो है तो छह स्टेजेस बताए हैं पीपल प्रोग्रेस के दौरान थ्री लेवल्स, मगर उन्होंने तीन लेवल में उसे दिया है लेकिन सिक्स स्टेजेस उसे बताए हैं। व्हेन दे डेवलप देयर मॉरल रीजनिंग, कि जब वो एक रीजनिंग के तौर पर दिमाग का इस्तेमाल करते प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं तो उसकी लेवल्स उन्होंने डिस्क्राइब की है। तो उसमें उन्होंने क्या किया है कि हर स्टेज को दो दो कैटेगरीज में सब कैटेगरीज में डिवाइड किया, यानी कि थ्री जो है तो लेवल्स एंड सिक्स स्टेजेस। तो सबसे पहली स्टेज से उन्होंने बताई है कि प्री कन्वेंशनल लेवल, इट इज़ मेनली अ टेस्ट ऑफ देयर मॉरेलिटी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कन्वेंशनल इस एतबार से, तो प्री कन्वेंशनल यानी कि उनकी रिवायती तहजीबी और संस्कृति की तौर से पहले वाली प्री कन्वेंशनल लेवल, और ये उनकी मॉरेलिटी जो टेस्ट रहता है उनका कि कैसे वो दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें सबसे पहला लेवल ये आता है कि पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। तो यहाँ पर ओबीडियंस ओरिएंटेशन यानी कि उनका जो इतात फर्मा बरदारी से ओबे से ओबीडियंस आया है, और ओबीडियंस ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन में यहाँ पर वाकिफियत हम लेंगे कि उसकी फर्मा बरदारी का उन्हें वाकिफियत या सलाहियत, और पनिशमेंट की ये चीज़। तो पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन इन दिस स्टेज, इस स्टेज में पीपल आर मोटिवेटेड बाय ट्राइंग टू अवॉइड पनिशमेंट। तो इस स्टेज में जो लोग होते हैं वो मोटिवेटेड होते हैं अवॉइड करने पनिशमेंट के, वो बचने की कोशिश करते हैं कि सजा से उससे, और देयर एक्शंस आर बैड इफ दे गेट पनिश्ड एंड गुड इफ दे डोंट। तो उनके जो एक्शंस होते हैं पनिशमेंट के बाद तो वो बुरे होते हैं उनके एक्शंस, के डिसमूड हो सकते हैं, निगेटिव हो सकते हैं, कि उन्हें अच्छा नहीं लगता पनिशमेंट मिलने के बाद, और अगर जब उन्हें पनिशमेंट नहीं मिलती तो खुश होते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर किसी क्लास में किसी बच्चे को मुर्गा बना दिया जाए तो जिनको पनिशमेंट नहीं मिलती तो वो सारे हंसते हैं, हंसी मजाक करते हैं, वो खुश होते हैं कि हमें पनिशमेंट नहीं मिली, और जिसको मिली होती है उसे थोड़ा सा गिल्टी फील होता है। लेकिन स्कूल एतबार से और टीचर के एतबार से अगर जो हमेशा से पनिश करते रहे किसी बच्चे को तो उसको लगता है कि मैं पनिशमेंट के लिए बना हूँ, तो वो गुंडा भी बन सकता है और उसको लगता है कि मेरी लाइफ ही पनिशमेंट के लिए है, निगेटिव में जा सकता है। तो कभी कभार उन्हें दरगुजर करके पनिशमेंट ना देने की ये कोशिश रहनी चाहिए। सेकेंड थिंग इज सेल्फ इंटरेस्ट एंड इंडिविजुअलाइजेशन, कि सेल्फ इंटरेस्ट खुद का जो इंटरेस्ट है और खुद के तौर पर जो चीज़ें की जाती है, मिसाल के तौर पर पीपल आर जनरली मोटिवेटेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट, पीपल उनके खुद की निजी जिंदगियों में मसरूफ होते हैं, जैसे कि उसका जो खुद का पसंदीदा फ्रूट होगा तो वो दूसरे के कहने पर नहीं वही फ्रूट खाएगा, और किसी किसी को ऐसा भी होता है कि सेल्फ इंटरेस्ट में मिट्टी खाने की आदत होती है, हालांकि वो गलत बात है। तो उसका सेल्फ इंटरेस्ट की एक मिसाल कि मोटिवेटेड रहेगा उसके, मतलब जो खुद के जो शौक रहेंगे वो काम करने में वो खुशी महसूस करेगा, उसमें कितना भी टाइम जाओ उसे वहाँ पर परवाह नहीं होगी, तो मोटिवेटेड रहेगा वो। और ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फेयरनेस आर रेसिप्रोकेटेड, तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स है फेयरनेस यानी कि यहाँ पर गोरापन वो नहीं आएगा, कि मुकम्मल तौर पर रेसिप्रोकेटेड यानी कि बदला लेना, ये चीज़ इसमें आती है। दे आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन
इफ यू डू हार्म टू मी आई विल डू टू यू, कि अगर तुम मुझे नुकसान पहुंचाएंगे तो मैं तुम्हारे नुकसान पहुंचाऊंगा। कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चे ने किसी को एक जब जानबूझकर मार दिया तो फिर वो उसको एक बार और मारता है, वो कहता है कि तूने मुझे जोर से मारा। तो इस तरह से क्या होता है कि बदला लेने की एक वो होता है कि जब तक उसको लगता नहीं कि हिसाब बराबर नहीं हुआ तो वो चीज़ बढ़ती है, कभी कभार झगड़े में होती है। तो हमारा ये तो चलो उसका टर्म था, इसकी स्टेज थी यहाँ ख़त्म हुई फर्स्ट स्टेज, लेकिन टीचर्स का ही काम है कि बच्चों को ये समझाना चाहिए कि ज़्यादातर दरगुजर के मामला रखे, हद से ज़्यादा तजावुज़ जब हो तब वो उसे क्या एक्शन्स हो सकते हैं कि पहले आप टीचर को इत्तला दीजिए, फिर नहीं माने तो हेडमास्टर को, नहीं तो फिर पेरेंट्स को। इस तरह से उन्हें पहले से तरजीह और तरबियत अगर आप देंगे तो ऐसा नहीं है, नहीं तो क्या है कि टीचर के पास जा रहे हैं सर इन्होंने मारा, और टीचर कह रहा है वो बिना जो है तो क्वालिफिकेशन के बस भर्ती हो गया 50 लाख रुपये देकर, वो कह रहा है कि तुमने इसको एक मारा तुम इसको एक मार दो, हिसाब बराबर हो गया। तो इस तरह से बेवकूफ़ तरीके ना हो, तो एक एतबार से इसलिए भी TET ज़रूरी भी है कि साइकोलॉजिकल लेवल पर टीचर भी प्रिपेयर रहे, उन्हें ये सारी चीज़ें मालूम रहे। तो ये एक नुक्ता नज़र ये होना चाहिए। नेक्स्ट सेकंड है कन्वेंशनल लेवल। कन्वेंशनल लेवल जो रिवायती लेवल जो रहेगा, इट इज़ ऑल्सो कंटेंट 2 लेवल्स, इसमें भी 2 लेवल्स उन्होंने रखे हैं। एडोलेसेंस मेनली ऑपरेट्स एट दिस लेवल, कि इसमें जो नौजवानी का पीरियड रहेगा वो ज़्यादातर इसमें ऑपरेट होगा। तो इसमें रहेगा गुड बॉय गुड गर्ल कंसेप्ट, गुड बॉय गुड गर्ल कंसेप्ट रिवायती तौर पर तहजीबी एतबार से। पीपल मेक मॉरल डिसीजंस बेस्ड ऑन गेटिंग पीपल टू लाइक देम, अगर हम बच्चों के हौसला अफजाई करते रहे और उन्हें कहते रहे कि यू आर अ गुड बॉय यू आर अ गुड गर्ल अच्छे अच्छे कामों में, तो उन्हें खुशी महसूस होंगी और उतने तौर पर वो डेवलप होंगे, अच्छे अच्छे काम करने में उनका दिल लगेगा। नेक्स्ट है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, के लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात करें, कानून और वगैरह जो आजकल हिंदुस्तान का जो कानून और है उससे सख्त ज़रूरत है लॉ एंड ऑर्डर की। तो ये लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन जो रहेगा, ये इसका जो स्टेज रहेगा, इसकी जो लेवल है, तो इट मींस परफॉर्मिंग वंस ड्यूटी प्रॉपरली, के अपनी जो ड्यूटी है अपनी जो खिदमत है वो अच्छे से अंजाम दे। शोइंग रिस्पेक्ट टू अथॉरिटी एंड अदर्स, तो अथॉरिटी जो रहेंगे ऑथोराइज पर्सन वगैरह, उनकी कानून की और मुल्क के जमहूरियत की संविधान की कॉन्स्टिट्यूशन की, ये सारों की रिस्पेक्ट करते हुए में आदर सम्मान करते हुए में ये सारा लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करना, ये चीज़ इसमें आएगी। नेक्स्ट थर्ड लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी। तो पोस्ट कन्वेंशनल यानी कि अब इसके बाद का रिवायती तौर के बाद का पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी। पीपल डिफाइन देयर वैल्यूज इन रिलेशन टू देयर एथिकल वैल्यूज, तो उनकी जो एथिकल वैल्यूज रहेंगी लोगों की, वो डिफाइन करेंगे उनकी वैल्यूज रिलेशन के तौर पर, किस रिलेशन बनी हुई रहेंगी, और एथिकल वैल्यूज यानी कि अखलाकी तौर पर जो वैल्यूज रहेंगी वो सारी, तो उसमें आएंगे जो 2 लेवल्स है। सोशल टर्म्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, सोशल टर्म्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कि जो हमारा जो ग्रुप होगा एक मेंबर का सोसाइटी का, सोशल समाजी समाज का, तो उसके टर्म्स एंड कॉन्ट्रैक्ट रूल ऑफ द सोसाइटी कुड बी चेंज्ड फॉर इट्स वेलफेयर एंड दे आर नॉट फ्रोजन, तो अलग अलग सोसाइटीज़ के अलग अलग रूल्स हो सकते हैं, वो चेंज भी हो सकते हैं उनके वेलफेयर, और अगर वो सेम नहीं हो तो वेलफेयर यानी फलाह बहबूद के लिए वहाँ पर काम चलते रहेंगे। और फ्रोजन यानी कि ऐसा नहीं रहेगा कि एक जगह पर जो रूल है सोसाइटी का वो हर जगह पर अप्लाई हो, हर तरफ अलग अलग अंदाज से काम चलता रह सकता है, उनको फॉलो करना। एंड सेकंड थिंग इज यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, यूनिवर्सल जो एथिकल प्रिंसिपल्स है कि जो अखलाक एतबार से यूनिवर्सल सब तरफ लागू होते हैं। चलो ऐसा नहीं है कि एक सोसाइटी में, जैसे कि पहले यूँ होता था कि एक प्रथा एक रीत, जो रीत पहले एक चलती थी एक दौर में, सबसे पहले तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में चलती थी कि एक औरत से 10 मर्द निकाह करते थे, फिर उस बच्चा जिस के पास इशारा करता था जिस तरह से दिखता था उसके सपुर्द उसे कर दिया जाता था। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों की आज़ादी के मुतालिक उसको ख़त्म किया। उसके बाद बात की जाए औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की, तो
उन्होंने भी बहुत सारी ऐसी रीत रिवाज बंद किए हैं, और ऐसे बहुत सारे थे कि पहले पिछड़े समाज जो हमारे दलित भाई वगैरह लोग हैं जो ऐसी वगैरह कैटेगरी के हिसाब से, तो उनको ऐसा था कि आज़ादी के बाद से कि उनको निचले दर्जे में रखा जाता था, कि आगे जाए तो झाड़ू उन्हें देनी होती थी और उसी एतबार से उनको पानी का ग्लास नहीं दिया जाता था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसमें घटिया चीज़ ये भी थी कि औरतों को सिर्फ बॉटम एतबार से सिर्फ पर्दे की जात थी, और ये सारी हिस्ट्रीज वगैरह विकिपीडिया उस पर भी मौजूद है। तो ऐसी बहुत सारे रीत और रिवाज गुजरे हैं जिन्हें ख़त्म किया है, बहुत सारे उसमें मुस्लिम रोल भी अदा किए हैं। और एक और प्रथा थी कि जब कोई किसी शादीशुदा औरत का मर्द मर जाता था तो उसको कुएं में उसके साथ खाने पीने का सामान रखकर छोड़ दिया जाता था, उसके साथ ही दफना दिया जाता था या कहा जाए उसी तरह से। कहीं कभी ऐसा चला आया कि जला दिया जाता था तो उसमें कुएं में छोड़ दिया जाता था खाना पीना रख कर, कि अब तेरी ज़िंदगी इसके साथ ही ख़त्म हो गई, अब तू इसके साथ, यानी कि उसकी अगर शादी हुई है 2 दिन के बाद उसका शौहर कभी मर जाता है एक्सीडेंट में किसी भी तरह, तो वो चीज़। तो ये क्या थी कि एक सोसाइटीज़ के रूल थे जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं थे, ना इस्लाम ये चाहता था कि किसी पर जुल्म हो। तो इस्लामी स्कॉलर्स ने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और ऐसे बहुत सारे ऐसे रीत और रिवाज गुजरे हैं। टीपू सुल्तान ने कई मंदिरों की हिफाजत की है, और मिथ्स बहुत सारे मिलेंगे आपको मार्केट में कि इन्होंने ऐसा किया है वैसा किया है, लेकिन सच जो है, सच्चाई, वो विकिपीडिया पर आज भी मौजूद है। और उसी तरह से ये सारे रीत और रिवाज ख़त्म हुए थे। और तो अब ये जो सेकंड प्रिंसिपल आता है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, तो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ये ऐसा रहेगा कि यूनिवर्सली ग्लोबली वर्ल्ड वाइड ये अप्लाई होगा, कि कहीं पर अगर गलत कंसेप्ट चल रहा है सोसाइटी बेस पर तो वो यूनिवर्सली उसे चेक करना होगा, उसे हम करेक्ट कर सकते हैं। इन अ नटशेल, पीपल ट्राई टू कंसिडर द इंटरेस्ट्स ऑफ देयर व्हेन दे मेक मॉरल जजमेंट्स बट स्टिल ट्राई टू फाइंड सम मीन्स टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। तो नटशेल से मुराद यहाँ पर होगा मुख्तसरन, इन अ नटशेल, मुख्तसर तौर पर, पीपल ट्राई टू कंसिडर द इंटरेस्ट, लोग ये सोचते हैं, तो वो लोग ट्राई करेंगे, कंसिडर करेंगे इंटरेस्ट ऑफ अदर्स, के दूसरे क्या उनका शौक है, क्या उनकी हॉबीज है। व्हेन दे मेक मॉरल जजमेंट्स, और वो जब अच्छे जजमेंट्स, मॉरल जजमेंट्स, अखलाक के एतबार से मुस्बत नताए जाएंगे, तो इस एतबार से, बट स्टिल ट्राई टू फाइंड सम मीन्स टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, और इसके अलावा भी कि अब ये इसके मुस्बत नतज तो निकल रहे हैं, लेकिन ये भी फाइंड आउट करना कि क्या वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं नीड्स। जैसे कि मिसाल के तौर पे इंडिया में कह दिया गया कि कैप लागू कर दिया जाए, ना NRC लागू कर दिया जाए, तो क्या वो सेटिस्फाई कर रही है कि नीड्स की। पीपल जो इतने सालों से टैक्स भर रहे थे और इतना जो कुछ उन्होंने कुर्बानियाँ दी है आज़ादी में, DNA टेस्ट करो ना सीधे सीधे, तो उनसे फुलफिल नहीं हो रही है, सेटिस्फाई नहीं कर रही है नीड्स, तो उस एतबार से फिर वो यूनिवर्सल एतबार से नहीं होगा, वो सिर्फ एक सोशल एतबार से टर्म माना जाएगा, वो गलत भी फैसला हो सकता है। जैसे कि नोटबंदी भी कहा जाए कि गलत फैसला बहुत सारे लोग मानते हैं, मैं इसके बारे में तो कुछ नहीं कहता, लेकिन इस तरह से लोग मानते हैं। तो ये इस तरह से उनके टर्म्स थे, और इनके जो लिमिटेशंस है वो हम देखेंगे कि उनकी जो लिमिटेशंस है कोहलबर्ग थ्योरी में, उनके नज़रिए में कोहलबर्ग के, तो वो सबसे पहला लिमिटेशन ये है, लिमिटेशन यानी कि उनकी जो हद रहेंगी या फिर कहा जाए कि, तो एक होती है कैरेक्टरिस्टिक खसूसियात और एक होती है लिमिटेशंस के कुछ चीज़ें जो बाकी रह गई या फिर कुछ कमियां, ऐसा भी हम मान सकते हैं। तो फर्स्ट है कि इट मेनली फोकसेस ऑन रीजनिंग रेदर देन ऑन एक्चुअल बिहेवियर। तो ये क्या फोकस करते हैं इनके नज़रियात, रीजनिंग से, दिमागी तौर पर रीजनिंग से, अदर देन एक्चुअल बिहेवियर के, उनका एक्चुअल बिहेवियर क्या है। फर्स्ट लिमिटेशन उनका ये है, उसकी कमी कहा जाए या फिर हद या फिर खसूसियत का अपोजिट हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेकंड थिंग इज इट शोज दैट चिल्ड्रंस मॉरल बिहेवियर एंड रीजनिंग मे बी क्वाइट वीक। तो इससे क्या जाहिर होगा कि चिल्ड्रन, बच्चों का जो मॉरल बिहेवियर है डिसीजन सॉल्विंग का, डिसीजन मेकिंग का और रीजनिंग का, उनकी सोचने समझने की सलाहियत, वो जो है तो काफ़ी हद तक वीक हो सकती है इनके एतबार से, इन्होंने जो थेरीज बताए। ये सेकेंड लिमिटेशन। थर्ड लिमिटेशन ये है कि मोस्ट ऑफ द फिलोसोफर्स बिलीव दैट वैल्यूज शुड बी अ पार्ट ऑफ एन इंडिविजुअल थिंकिंग सो दैट हिज एक्शंस कुड बी इन हार्मोनी विद हिज थॉट्स। तो बहुत सारे जो माहिर नफ्सियात है वो ये मानते हैं, वो ये बिलीव करते हैं
के उनके जो वैल्यूज है वो एक पार्ट है इंडिविजुअल की थिंकिंग का, और ये एक्शंस जो है तो एक एतबार से उनके सोच से जुड़े हुए नहीं है जो भी एक्शंस वो परफॉर्म करेंगे। तो इनके जो नज़रियात है ये कुछ खामियां, तीन खामियां लिमिटेशंस में ये आएंगे कि उनके ये जो रूल है वो दूसरों से और एक्चुअल बिहेवियर से कहीं ना कहीं, या फिर कहा जाए कि इससे ये जाहिर होता है कि रीजनिंग वीक होती है बच्चे की, ये दो तीन चीज़ें उसमें लिमिटेशंस ये आ सकते हैं कोलबर्ग थ्योरी के एतबार से। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लेव वाइगोट्स्की जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसकी थ्योरी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जब तक उसे सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिले, और हर डीएड बीएड वाले बच्चे को ये सेंड करते रहिए, कहीं ना कहीं अगर उनका मुस्तकबिल बन गया तो आपको दुआएं मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।